अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयार करेंगे नमकीन रोस्ट। नमकीन रोस्ट जो है ना, अगर अगर सफ़ेदी सफ़ेदी ज़्यादा हो ज़्यादा गोश्त में हो फिर तो फिर आप घी लोगों ने घी इस्तेमाल नहीं डालना है, करना है, अगर और सफ़ेदी कम अगर हो तो सफ़ेदी कम घी नहीं हो डालना। तो फिर अभी घी यहाँ पे जो है ना इस्तेमाल सफ़ेदी कम करेंगे है, तो तो इसलिए जो हम थोड़ा अभी इसमें जो है ना हम थोड़ा सा घी ऐड कर घी लेंगे। डालेंगे। और अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ नमक और गोश्त। प्याज भी कुछ लोग ऐड करते हैं लेकिन हम नहीं करते, वो मिठास ज़्यादा लाते हैं गोश्त में प्याज, तो इस वजह से हम ऐड नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ नमक ऐड कर रहे हैं, ये 1 किलो गोश्त। और यहाँ पे जो है ना हम नमक डालेंगे, नमक तकरीबन ये एक भर के डालनी है आप लोगों ने। और इसमें जो है ना घी भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसमें सफेदी कम है, इस वजह से जो है घी हम ऐड कर लेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद, पानी इसमें डालना है तकरीबन 1 लीटर पानी डालना है इसमें। यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड किया हुआ है, इधर तो 1 लीटर पानी ऐड किया हुआ है। और इसको तकरीबन आधा घंटा प्रेशर देंगे इसको, तो आधे घंटे के बाद फिर देखते हैं। अभी ये प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके फ्लेम इस पे स्लो रखेंगे, जितना स्लो होगा उतना जो है ना गोश्त गल जाएंगे। जब फ्लेम तेज हो तो गलते नहीं हो, अच्छी तरह से नहीं पकते, जितना सही तकरीबन आधा घंटा इसको प्रेशर देंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। तकरीबन हमारा आधा घंटा पूरा हो गया, देखो इस तरह गल गए। अभी थोड़ा चूल्हे पर रखेंगे जब तक ये पानी खुश्क हो जाए, थोड़ा पानी है इसमें, ये खुश्क हो जाए तो फिर देखते हैं। हमारा रोस्ट तैयार, नमकीन रोस्ट। ये देखो अभी पानी खुश्क हो गया, कितना अच्छा तैयार हुआ, बिल्कुल गल गए। देखो गल के
माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह का गल गए। अभी हमारा ये नमकीन रोस्ट तैयार है। रेसिपी आसान है। ओके, अल्लाह हाफिज़।